फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स फंडा, और आप सभी का स्वागत है इस एमसीक्यू बेस्ड सीरीज में। जैसे कि आप जानते हैं, सीरीज में 10 क्वेश्चंस होंगे जो कि करंट बेस्ड होंगे, और 10 क्वेश्चंस होंगे आपके प्रैक्टिस के लिए, और प्रीवियस डे के यहाँ पे आपको आंसर्स भी मिलेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड फॉर 3rd December 2018। फर्स्ट ऑफ ऑल, प्रीवियस डे के क्वेश्चन साथ ही साथ उसके आंसर्स आप यहाँ से अपने आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं, और साथ ही साथ अपना स्कोर जान सकते हैं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए। ओके, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कर सकते हैं फॉर रिवीजन पर्पस। ये किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल करंट रिलेटेड क्वेश्चन है 10 के 10। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कोट ऑफ द डे, द ग्रेटेस्ट प्लेजर इन लाइफ इज डूइंग व्हाट पीपल से यू कैन नॉट डू इट। सो इट्स मतलब इस कोट का बेसिकली अर्थ ये है कि मतलब सबसे ज्यादा खुशी या फिर सबसे ज्यादा प्लेजर तभी मिलता है जब आप वो काम करते हैं जब दूसरे बोलते हैं कि ये आपसे तो नहीं हो पाएगा। ओके, सो ये कोट यही दर्शाता है कि Always try and do something different, and जब आप इसको अचीव करेंगे तो उसके बाद जो immense success और pleasure आपको मिलेगा वो मतलब उसकी जो feeling है वो define नहीं करी जा सकती। Okay, so let's get started। पहला question, रेगी यूनेस्को के जो यूनेस्को की एक हेरिटेज लिस्ट है, जिसमें मतलब इंटेंजिबल लिस्ट है, उसमें हेरिटेज को इंक्लूड किया जाता है, ये किस स्टेट मतलब किस नेशन से बिलोंग करती है। ओके, सो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है, रेगी यूनेस्को की विरासत सूची में आती है और रेगी किस देश से संबंधित है, तो यहाँ उस देश का नाम पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो जमैका, बेसिकली जमैका से रिलेटेड है। तो आपके लिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि आप जमैका की यहाँ पे कैपिटल बताइए कि जमैका की राजधानी क्या है। ओके, सो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, रेगी एक प्रकार का म्यूजिक है, म्यूजिक ओरिजिनेटेड इन जमैका, और ये इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज में अभी इसको ऐड किया गया है। और जो इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज है उसकी जो डेफिनेशन है वो ये है कि इनटैंजिबल हेरिटेज वो होता है और वो प्रैक्टिसेस होती हैं, प्रेजेंटेशन होते हैं, एक्सप्रेशंस होते हैं, नॉलेज होते हैं, स्किल्स होते हैं, जो किसी कम्युनिटी इंडिविजुअल का रिकॉग्नाइज करती है एज अ पार्ट ऑफ द कल्चरल हेरिटेज। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्राइब है या कोई ट्राइब है, जैसे अब जैसे आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारी ट्राइब, जैसे झारखंड में कोई ट्राइब है और अपने वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख रही है, या कुछ मान लीजिए वो जिस चीज़ को मानते हैं, जिस प्रथा को मानते हैं, उसको कैरी फॉरवर्ड करके आ रहे हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो ये ऐड हो सकता है। मीन्स कि ये किसी भी इंटेंजिबल कैटेगरी में वो हो सकता है, जस्ट बिकॉज कि ये मतलब फॉलो करते आ रहे हैं और इसकी रिकॉग्निशन यूनेस्को द्वारा हो जाएगा, तो ये मतलब हेरिटेज की लिस्ट में आ सकता है, इंटेंजिबल हेरिटेज की लिस्ट में। जैसे कि कुछ समय पहले भारत में कुंभ मेला है जो, उसे भी इस हेरिटेज सिटी मतलब लिस्ट में रखा गया था। तो यूनेस्को एडिट रहेगी म्यूजिक इट्स कलेक्शन इन इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज डीम्ड वर्थ ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन। ठीक है, मतलब ये इसलिए ऐड किया गया इसे क्योंकि इसका जो मतलब प्रोटेक्शन है, मतलब उस कल्चर को प्रिजर्व करके रखा गया, साथ ही साथ वहाँ के लोगों ने इसका प्रमोशन भी किया। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिजर्व करके रखा और इसे मतलब इसके रिलेटेड अवेयरनेस या इसका प्रमोशन नहीं किया, ये दोनों चीज़ उन्होंने की, इसलिए इसको ऐड किया गया। ओके, सो ये थे इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणिंदर सिंह बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF। ओके, ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको यहाँ पे बताना है कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर किस देश में है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन में है वो है जर्मनी, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जर्मनी में, और जर्मनी की राजधानी है बर्लिन। ओके, और जर्मनी की जो वाइस मतलब चांसलर है वो है एंजेला मर्केल। सो इससे रिलेटेड फैक्ट्स ये हैं कि इनको इससे पहले नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा भी अवार्ड दिया गया। ओके, और ISSF इस एक गवर्निंग बॉडी है जो ओलंपिक के जो शूटिंग इवेंट्स होते हैं ना, इन राइफल्स हो गया, पिस्टल हो गया, शॉटगन हो गया, इस तीनों डिसिप्लिन में ये इसको पूरा मॉनिटर करता है, कोऑर्डिनेट करता है, और सेवरल नॉन ओलंपिक शूटिंग स्पोर्ट्स को भी ये मॉनिटर करता है। ओके, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है जर्मनी। थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली स्ट्रिप्ड ऑफ फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड। तो हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हाल ही में पेरिस की स्वतंत्रता से रिलेटेड एक पुरस्कार दिया गया था, उसे वापस ले लिया गया है पेरिस की सरकार के द्वारा। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसान सुकी बेसिकली रिलेटेड है म्यांमार से, और ये जो अवार्ड वापसी हुई है या उनसे मांगा गया है, ये जस्ट बिकॉज जो रोहिंग्या का इश्यू हुआ था म्यांमार में, वहाँ पे इनके द्वारा कोई भी किसी भी प्रकार का स्टेप नहीं उठाया गया, या इनका जो क्रिटिसिज्म था वो मतलब वर्ल्ड लेवल पे देखा गया था कि इन्होंने उनसे रिलेटेड या उनके ऊपर जितने भी मतलब इनह्यूमैनिटी का वो फेस कर रहे थे रोहिंग्या के जो मुसलमान थे, तब ये आंसान सुकी जी ने उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कदम नहीं उठाया, और इससे इनको पूरे वर्ल्ड में क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा। ओके, सो यहाँ पे कुछ फैक्ट्स और फिगर्स देख लेते हैं।
कि पेरिस सिटी ने ये वापस ले लिया, ये ऑनर फ्रीडम ऑफ जो पेरिस है, ठीक है, जो उनको अवार्ड किया गया था, जस्ट बिकॉज की जो फेलियर टू स्पीक आउट अगेंस्ट द क्रैकडाउन ऑफ रोहिंग्या के जो माइनॉरिटीज थी उनके खिलाफ। और आन सान सू की फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने ये प्राइज लूज किया है। इससे पहले जिन जिन व्यक्तियों को ये प्राइज मिला उन, मतलब कभी ऐसी नौबत नहीं आई कि उनसे ये अवार्ड वापस लिया गया हो। शी हैज ऑलरेडी बीन स्ट्रिप्ड, मतलब इससे पहले भी उनसे जो कैनेडा की उनके उन्हें सिटीजनशिप मिली थी वो भी वापस ले ली गई है। और उसके बाद जो एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि लंदन बेस्ड है, वहाँ की जो एम्बेसडरशिप है जो उन्हें दी गई थी, कॉन्साइंस अवार्ड दिया गया था, वो भी उनसे वापस ले लिया गया। तो मतलब विधगत 1-1.5 सालों में उनसे, मतलब उनसे जितने भी काफी ऑनरी अवार्ड्स दिए गए थे, जस्ट बिकॉज कि उन्होंने जो किया था, जो म्यांमार के लिए उन्होंने किया, मतलब इतना सेक्रीफाइस किया था, उसके रिलेटेड जितनी रिकॉग्निशन उन्हें मिली थी इस इवेंट के बाद, सारी रिकॉग्निशन मतलब उस पर पानी फिर गया है। तो उनसे ये अवार्ड वापस लिया गया हाल ही में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री CII ने हाल ही में एक एग्रोटेक मतलब रिसेंटली इनॉग्रेट किया है, वो किस प्लेस में किया? इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि वो किस प्लेस में किया। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चंडीगढ़। हाल ही में इसका जो उद्घाटन है वो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा चंडीगढ़ में किया गया। तो बेसिकली जो थीम है इसकी वो है इंटरनेशनल CII एग्रोटेक 2018, और ये बेसिकली टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर और फार्मर की जो इनकम है, जो मोदी जी का जैसे आपने सुना होगा मैनिफेस्टो भी है कि 2022 तक फार्मर की इनकम डबल हो जाएगी, उससे रिलेटेड अभी MSP का भी प्राइस जो है वो 1.5 गुना कर दिया गया है, और कुछ स्टेट इसे फॉलो भी कर रहे हैं। बेसिकली मतलब ऑन पेपर तो इसे फॉलो कर रहे हैं, भले ऑफ पेपर ना कर रहे हो, ठीक है। तो ये बेसिकली फार्म इनकम को डबल करना और टेक्नोलॉजी, मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, जैसे आपने देखा होगा कि पंजाब में हैप्पी ब्रीडर का यूज़ किया जा रहा है, सरकार इस पर सब्सिडी भी दे रही है। सब्सिडी इन द सेंस इसलिए दे रही है क्योंकि जो स्टबल बर्निंग होती है और उससे जो पोल्यूशन हो रहा है पूरे दिल्ली और हरियाणा और इस क्षेत्र में हो रहा है, तो उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के भी काफी निर्देश आए। NGT हुआ, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सब ने मिलकर मतलब ये बताया कि जो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र है वहां से जो पोल्यूशन आ रहा है उसके कारण जो दिल्ली में सांस लेने की जो प्रॉब्लम है वो काफी विगत वर्षों से हो रही है, और ये सबसे ज्यादा जो होता है वो विंटर्स के समय होता है, अभी के समय जो विंटर्स चल रहे हैं, क्योंकि स्मॉग का इतना इशू रहता है दिल्ली में कि आप मतलब आप किसी को देख भी नहीं पाते इवन 6:30 से 7 AM के लगभग भी। ओके, सो यहाँ पे जो पार्टनर कंट्री है वो है ग्रेट ब्रिटेन, और जो फोकस कंट्री है वो है कनाडा एंड चाइना। तो ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड तेजस ट्रेन, हाल ही में दूसरी तेजस ट्रेन को मतलब चलाया जा रहा है, ये कहां मतलब किस स्थान के बीच में चलाया जाएगा, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है चेन्नई और मदुरई। तो बेसिकली इससे पहले पहली तेजस ट्रेन को दौड़ाया गया, उसका भी आंसर मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस क्वेश्चन का जो पर्टिकुलर आंसर है वो है चेन्नई टू मदुरई। सो उससे कुछ रिलेटेड फैक्ट्स हैं, द ट्रेन कोचेस आर इक्विप्ड विद मॉडर्न मॉडर्न एंटरटेनमेंट सिस्टम होगा, इन द सेंस की मान लीजिए बूफर्स होंगे या फिर LED स्क्रीन वगैरह लगी रहेंगी जो वो, और वो एंटरटेनमेंट के पर्पज से होगा। मॉड्यूलर टॉयलेट्स होंगे, स्मार्ट विंडोज होंगे, GPS बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, GPS बेस्ड पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन सिस्टम होगा, जैसे कि मान लीजिए किसी पैसेंजर का टिकट कंफर्म नहीं है या फिर उसको मतलब वो अपना कोई भी स्टेटस चेक नहीं कर पा रहा है, तो उससे रिलेटेड भी एक GPS बेस्ड पैसेंजर इन्फॉर्मेशन सिस्टम भी वहाँ पे इंस्टॉल किया गया है। ओके, सो द कोचेस हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, कोचेस जो है इस तेजस ट्रेन के वो चेन्नई में बनाए हैं, और जो पहली तेजस ट्रेन थी वो उसे 2017 में मुंबई टू गोवा, मुंबई से गोवा के बीच में से चलाया गया था। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि पहली तेजस ट्रेन को कौन मतलब किस किस पर्टिकुलर पॉइंट से चलाया गया था, तो वो है मुंबई से गोवा के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्ट लिखा हुआ है, वैसे ये फेस्टिवल ही बोला जाता है, फेस्टिवल टू बी इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन किया जाएगा या उद्घाटन किया है? तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो नागालैंड। तो ये बेसिकली नागालैंड में मनाया जाएगा ये जो त्यौहार है। तो इस एम मतलब इसका एम क्या है, इसका एम ये है कि वो अपना एक रिच ट्रेडिशन, वाइब्रेंट कल्चर, मतलब नागालैंड अपना कल्चर जो वो प्रिजर्व करके रखा है या फिर जो वो समय से बहुत समय से फॉलो करता आ रहा है, उसका एक डिस्प्ले होता है, मतलब और स्टेट्स या फिर दूसरे कंट्रीज भी उसे देख के मतलब देख सकते कि हाँ, जरूरी नहीं है कि छोटा राज्य है तो वो अपना कल्चर प्रिजर्व नहीं कर सकते, इवन अ सिंगल पर्सन कैन प्रिजर्व इस कल्चर, मतलब एक आदमी भी अपना कल्चर प्रोटेक्ट करके रख सकता है। तो जो इसका जो ये एडिशन था, ये 19th एडिशन था ऑफ हॉर्नबिल फेस्टिवल, दिस वाज इनॉग्रेटेड इन नागालैंड ऑन 1 December 2018 एंड द फेस्टिवल विल कंक्लूड ऑन 10th December 2018। तो ये 1 से 10 दिसंबर तक चलेगा। ओके फ्रेंड्स, और ये 19th एडिशन है इस हॉर्नबिल फेस्टिवल का, और ये नागालैंड से रिलेटेड है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नागालैंड आप याद रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन मार्क करते समय ये काफी सिमिलर ऑप्शन होते हैं, जो कि 7 सिस्टर स्टेट्स और सिक्किम हो जाता है। तो ये 8 जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के,
यहाँ पे चीजें काफी कंफ्यूजिंग हो जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट ऑल फेस्टिवल ऑर्गेनाइज्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस रिसेंटली. तो भारत का पहला उल्लू त्यौहार हाल ही में निम्नलिखित स्थान में आयोजित किया गया. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पुणे. तो ये बेसिकली पुणे में इसका आयोजन किया गया और द फेस्टिवल वॉज इनोग्रेटेड बाई एक इलन फाउंडेशन नाम का एक एनजीओ है. ठीक है, नॉन एनजीओ वर्किंग टूवर्ड्स नेचर एजुकेशन. मतलब वो सिर्फ जो नेचुरल ब्यूटी होगा या नेचर होगा उससे रिलेटेड, मतलब वो अवेयरनेस जनरेट करने है, उसके एजुकेशन से रिलेटेड ही एनजीओ काम करता है जिसका नाम है इला फाउंडेशन. तो बेसिकली एजुकेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ दिस दिस मींस इस जो पूरा नेचर है उसके उससे उसके रिगार्डिंग. ठीक है, और इस आउल फेस्टिवल का एम क्या है? एम ऑफ द फेस्टिवल इज टू क्रिएट अवेयरनेस, मतलब अवेयरनेस जनरेट कराना ऑफ अबाउट आउल एज अ बर्ड एंड डिबंकिंग न्यूमरस ऑफ सुपरस्टिशन एसोसिएटेड विद. मतलब जो उल्लू होता है उससे रिलेटेड काफी सुपरस्टिशन है इंडिया, मतलब इंडिया में काफी लोग इससे इस मतलब अंधविश्वास में है कि इससे रिलेटेड ये होता है. ये किसी मतलब तंत्र विद्या के लिए भी इसका यूज किया जाता है सेवरल स्टेट्स में, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, यहाँ पे रांची वगैरह में. सो नॉट मतलब विदाउट कास्टिंग एस्पर्शन टू एनी स्टेट्स कि मतलब मैं पर्टिकुलरली उस स्टेट को बोला, ऐसा नहीं है, लेकिन ये पूरे इंडिया में फॉलो होता है कि हाँ उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, मतलब अगर वो मिल गया या उसको देख. तो ये एक सुपरस्टिशन है, इसको हटाने के लिए या इस पर्टिकुलर बर्ड से या इस पर्टिकुलर जो जानवर इससे रिलेटेड जो सुपरस्टिशन अटैच है इतने समय से उसको दूर करने के लिए ये अवेयरनेस जनरेट कर रहा है पूरे मतलब सोसाइटी में. तो ये जो हॉर्नबिल जो ऑल फेस्टिवल है ये रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया पुणे में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ स्टेट विच हैज अचीव्ड 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अंडर सौभाग्य. एक सौभाग्य स्कीम आई थी जिसमें 100% इलेक्ट्रिफिकेशन होगा. इलेक्ट्रिफिकेशन इन द सेंस ये नहीं होगा कि उस गांव में सिर्फ 15% लोगों को जो बिजली जाती है वो बिजली नहीं, घर घर तक बिजली जाएगी. तो हाल ही में कितने स्टेट हैं जिन्होंने ये बताया कि उनके मतलब स्टेट में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, 8 स्टेट्स. हाल ही में 8 राज्यों ने ये कहा है कि उनके स्टेट में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन है. तो ये जो अनाउंसमेंट है ये आरके सिंह के द्वारा किया गया, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है पावर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के, और इसका मतलब रिव्यू किया गया, मॉनिटरिंग करने के बाद इसको पूरा बताया गया दिल्ली में. तो सो फार 2.1 करोड़ कनेक्शन, मतलब 2.1 करोड़ कनेक्शन हैज बीन रिलीज, मतलब सौभाग्य के अंडर में ये रिलीज हुए हैं. और ये एक्सपेक्टेड टू अचीव 100% सैचुरेशन इन इंडिया बाय 31 दिसंबर 2018. ऑल्सो मतलब गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने ये आश्वासन जताया है कि 24x7 एक्सेस होगा इलेक्ट्रिसिटी को. मतलब ये कि अब किसी के घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी. कब मतलब कब तक का डेडलाइन है? 21 मार्च 2019 का. और इसके लिए एक अवार्ड भी दे, मतलब अवार्ड स्कीम हैज ऑल्सो बी अनाउंस्ड टू क्रिएट हेल्दी कॉम्पिटिशन. मतलब एक कॉम्पिटिशन क्रिएट करने की बात करी जा रही है डिस्कॉम कंपनी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज पावर डिपार्टमेंट्स में स्टेट के आपसी के बीच में, जहाँ मोर देन ₹300 करोड़ टू बी वन बाय द स्टेट एंड डिस्कॉम. और सौभाग्य स्कीम के बारे में अगर आप देखें तो ये इसका जो फुल फॉर्म है, जो बेसिकली आप दूसरा नाम भी बोल सकते हो, वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना. तो बेसिकली ये लॉन्च की गई थी सितंबर 2017 में, और द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड द स्कीम इज टू प्रोवाइड एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल द रिमेनिंग हाउस होल्ड इन इंडिया. तो बेसिकली इसका जो पर्पस है, पर्पस ये है कि ये मतलब 24x7 कंटिन्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना है विदाउट एनी एस्पर्शन टू एनी कास्ट कम्युनिटी और पर्सन, कि अगर वो मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन है या गरीब है तो ऐसा नहीं है, वो हर घर में बिजली पहुंचेगी और सबको 24x7 एक्सेस होगा. ओके, तो यहाँ पे एक्सेस इन द सेंस ये नहीं है कि मतलब आप का जो बिल होगा वो नहीं आएगा, वो तो आएगा, तो आपको बिल तो देना पड़ेगा, लेकिन ये जो एक्सेस है आपका इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा आपको कनेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा. और जो लोग इसे प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं, मतलब जो कनेक्शन फीस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनके लिए इंस्टॉलमेंट का भी सिस्टम रखा गया है कि आपकी 500 पर मंथ की इंस्टॉलमेंट बना दी जाएगी, फिर आप उसके रिगार्डिंग उसको फिलअप कर सकते हो. तो ये था फ्रेंड्स पूरा होलिस्टिक जो सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लॉन्चेस भाषा संगम. एक भाषा संगम इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के द्वारा टू इंट्रोड्यूस स्कूल स्टूडेंट, मतलब जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको इंट्रोड्यूस करने के लिए, मतलब वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करें, उन्हें इंट्रोड्यूस करने के लिए एक भाषा संगम लॉन्च किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा. तो ये कितनी भाषा में लॉन्च किया गया, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है. तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो 22 लैंग्वेजेस. तो भारत की जितनी मतलब जितनी लैंग्वेजेस, 8 शेड्यूल 8 है जो, उसमें 22 लैंग्वेज है. ठीक है, शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज है. तो इन सारी 22 लैंग्वेजेस में इसको लॉन्च किया गया. ठीक है, या इस संगम को इंट्रोड्यूस किया गया. तो बेसिकली भाषा संगम जो हुआ वो एक मतलब अंडर एक भारत श्रेष्ठ भारत एक स्कीम है,
मोदी जी के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसके अंतर्गत ये काम कर रहा है, ठीक है। और भाषा संगम का जो मतलब प्रोग्राम है ये फॉर स्कूल एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे कॉलेजेस होते हैं, ठीक है। और ये मल्टी लिंगुअल एक्सपोजर देता है स्टूडेंट्स को इन इंडियन लैंग्वेजेस। जैसे कि मान लीजिए कोई ये साउथ का स्टूडेंट है या फिर कोई नॉर्थ ईस्ट का स्टूडेंट है, अगर वो मान लीजिए दिल्ली आता है, नॉर्थ आता है अपने मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए, तो वहाँ जो एक्सपोजर है उसको मल्टी लिंगुअल लैंग्वेज में मिले। अब मान लीजिए कोई नॉर्थ का बंदा है या नॉर्थ का कोई स्टूडेंट है वो साउथ में जाता है, तो वहां पे उसको भी एक्सपोजर होना चाहिए कि हाँ वो मतलब उसको इन द सेंस कुछ जो प्राइम वर्ड्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो डिफरेंट लैंग्वेजेस के उसको आने लगेंगे अगर उसका जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में एक्सपोज होगा तो, या एक्सपोजर मिलेगा उसको। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इट ऑल्सो एम्स टू इम्प्रूव लिंग्विस्टिक टॉलरेंस। जो लिंग्विस्टिक टॉलरेंस होता है, टॉलरेंस इन द सेंस ये होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए तीन नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं और एक मान लीजिए साउथ का बंदा है, तो वो उस साउथ वाले को टॉलरेट नहीं कर पाते जस्ट बिकॉज कि उसका लैंग्वेज का इश्यू होता है, ठीक है। वो इतने जल्दी हिंदी कैप्चर मतलब कैचअप नहीं कर पाता और वो समझ नहीं पाता, तो ये जो लिंग्विस्टिक टॉलरेंस है इसे भी मतलब इम्प्रूव करेगा। और रिस्पेक्ट एंड प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये बेसिकली पूरे भारत को जोड़ने की बात कही जा रही है इस लैब मतलब भाषा संगम के द्वारा, कि डिफरेंट लैंग्वेजेस डिफरेंट कल्चर्स के लोग को एकाग्रित करके और मतलब एज अ होल एज अ सोसाइटी एज अ हाउस वर्क करने के लिए, ठीक है। तो देयर आर 22 लैंग्वेजेस लिस्टेड इन शेड्यूल 8 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के जो संविधान है उसमें शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेजेस का मतलब पूरा विस्तृत रूप से समझाया गया और लिखा गया है। ओके, सो एक क्वेश्चन रिलेटेड है उससे, 22 लैंग्वेजेस है यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, थर्ड आसियान इंडिया बिजनेस समिट AIBS हेल्ड इन। सो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, कोलालंपुर मलेशिया। तो हाल ही में से कोलालंपुर मलेशिया में इसका समिट हुआ। तो द समिट कंसिस्ट ऑफ थ्री इवेंट्स, यहाँ पे तीन इवेंट्स हुए। आसियान इंडिया बिजनेस कॉन्फ्रेंस हुआ, आसियान इंडिया बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया और एक गाला डिनर टाइप का हुआ। सो यहाँ भी ये कहाँ पे हुआ, ये कुआलालंपुर में। तो बेसिकली फ्रेंड्स यहाँ से आप आसियान के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, उसको नोटेड डाउन कर सकते हैं कि आसियान में कितने कितने कंट्रीज हैं, कौन स्टेट है, अभी रिसेंटली इसका मीट कहाँ पे हुआ। तो इसके जो सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है वो है लिम जॉक हुई और हेडक्वार्टर है जकार्ता इंडोनेशिया में आसियान का। और जैसा कि मतलब कुछ स्टूडेंट्स को पता भी होगा कि आसियान में भारत नहीं है। ओके, सो भारत आसियान में नहीं है। तो आपको, और ये भी मैं बता दूं कि आसियान में 10 कंट्रीज हैं। ओके, सो आप इन 10 कंट्रीज को मतलब देखिएगा और साथ ही साथ मैप में भी देखिएगा कि कौन सी कंट्रीज किससे बॉर्डर करता है ना। ये नेक्स्ट है जो ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। तो मैं थोड़ा एक बार रीड आउट कर देता हूँ, आपको इसके आंसर बताने होंगे। तो विनर ऑफ आसियान ऑफ द ईयर अवार्ड ऑफ केरला फ्लड रेस्क्यू, केरला का में जो फ्लड आया था उसमें जो रेस्क्यू करने के लिए जो टीम थी उसमें किसको अवार्ड दिया गया है, उससे रिलेटेड ही अवार्ड है ये दिया गया है। डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ ऑल विक्टिम्स ऑफ केमिकल वॉरफेयर वॉज ऑब्जर्व ऑन, यहाँ पे आपको डेट बतानी है। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडरिटी विद द पैलेस्टीन, जो इसराइल और पैलेस्टीन का इशू होता है, तो पैलेस्टीन के जो लोगों से जो पूरे एक संवेदनशीलता है या फिर उनके लिए पूरी जो लोगों के की सिंपति है पूरे वर्ल्ड से, ये जो एक डे मनाया जाता है किस दिन मनाया जाता है। कंसल्टेंसी फर्म है एक ब्रेन एंड कंपनीज, ठीक है, उनकी एक लेटेस्ट रिपोर्ट लॉन्च हुई है, उसमें ये बताया कि मतलब कौन सा ऐसा देश है जो सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है ई मतलब ई कॉमर्स के ई कॉमर्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रिलेटेड। तो वो बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप सेट गोल्स टू क्लाइमेट, मतलब हाल ही में किस ग्रुप ने गोल सेट कर लिया है, अपना टारगेट सेट कर लिया है कि वो 2050 तक क्लाइमेट न्यूट्रल हो जाएगा। तो उस ग्रुप का आपको नाम बताना है, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का। एक एम्पैथी कैंपेन लॉन्च किया गया, टू बी लॉन्च पैन इंडिया अवेयरनेस जनरेट कराने के लिए, ये किस डिजीज के रिगार्डिंग था, मतलब उस डिजीज का नाम आपको बताना है। फोर्थ इंडिया मोजम्बिक जो एक जॉइंट कमीशन की मीटिंग हेल्ड हुई है वो किस स्टेट में हुई है वो बताना है आपको यहाँ पे। इंडिया एंड यूएस की एक एयर एक्सरसाइज होती है, मतलब जो हवा में जो एक एक्सरसाइज होती है कि जो एक दूसरे कंट्री शेयर करते हैं एक दूसरे से कि वो हमारे टेक्निक्स या फिर हमारे फाइटर प्लेन्स, ठीक है, तो एट द टाइम ऑफ वॉर या फिर कोई इमरजेंसी में आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो ये डिफरेंट मतलब कन्वर्सेशंस के बाद ये प्रैक्टिसेस में ये एक्सचेंज होता है। तो ये हाल ही में हुई वेस्ट बंगाल में, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज होती है इसका नाम क्या है, उस एक्सरसाइज का आपको नाम बताना है, गांधी स्मृति और एंड दर्शन स्मृति, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया साउथ एशिया रीजनल यूथ पीस कॉन्फ्रेंस जो हाल ही में मतलब हुई है, अब आपको बताने कहाँ हुई है, ठीक है। और मेका दातू एक प्रोजेक्ट है जिसको गवर्नमेंट का एक परमिशन मिल गया है, ये किससे रिलेटेड है, तो आपको ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये थे 10 क्वेश्चन, आप इनको जरूर अटेम्प्ट करिए, काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। कॉमेंट बॉक्स में आप इतना आंसर दीजिए, ठीक है।
और ये है फ्रेंड्स करंट अफेयर्स फंडा का ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ से एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ का डिमांड है फॉर क्विक रिविजन पर्पज एग्जाम के समय। ओके, और फ्रेंड्स चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कीजिए, और अपने कॉमेंट्स जरूर दीजिए। आप मतलब बताइए कि क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन का पार्ट कितना मतलब कितना रेलिवेंट है और आपको कितना समझ में आ रहा है, और अपनी डिमांड भी प्लीज रेज करिए कि हाँ आप इस टॉपिक से रिलेटेड या उस टॉपिक से, और मतलब जैसा कि आपकी डिमांड आती है उस पर्टिकुलर सेक्शन से मैं क्वेश्चन लेने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, सो बाय बाय, टेक केयर, टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो टुमारो।